मकर संक्रांति के पर्व पर दान और पुण्य को लेकर विशेष जुड़ाव देखा जाता है। इस दिन धर्म और आस्था के चलते भी इस पर्व को लोग मनाते हैं, लेकिन इस पर्व के साथ पतंगबाजी का भी विशेष आकर्षण देखा जाता है। राजस्थान के उदयपुर में मकर संक्रांति के पर्व के ठीक पूर्व बाजार में पतंग की खरीदारी करते हुए लोगों को देखा गया। आज बच्चे बड़े सभी पतंगबाजी को लेकर जितने रोमांचित नजर आए, उतने ही इसकी खरीदारी को लेकर भी तस्वीरें देखी जा सकती हैं। दिल्ली गेट पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां लोगों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। कोरोना सावचेत को लेकर यहां निर्देश दुकानों पर पहले से ही अंकित किए गए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो लोगों को रखने के लिए बार बार कहा जाता रहा, लेकिन इस दौरान लोग अपने परिवार सहित पतंग की खरीदारी करते हुए देखे गए। कोरोना गाइडलाइन को लेकर विभिन्न स्लोगन वाली पतंगें भी बाजार में इस बार दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं रंग बिरंगी पतंगें। मकर संक्रांति के इस पर्व पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पतंगबाजी का विशेष आकर्षण रहता है। जिलों की नगरी उदयपुर में भी पतंग उड़ाई जाती हैं। इसी को लेकर आज बच्चों में विशेष आकर्षण देखा जा रहा है। बच्चों की इस मांग को पूरा करने के लिए उनके परिवार वाले भी बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि इस दौरान ओमिक्रॉन को लेकर भी विशेष सावधानी बरती जा रही है, ऐसे में इसको सावचेत करने की विभिन्न स्लोगन वाली पतंगें भी इस बार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जैसा कि मकर संक्रांति के पर्व पर आसमान में पतंगें सैर करते हुए देखी जा सकेगी, ऐसे में एक दिन पूर्व लोगों में इसका आकर्षण साफ देखा जा रहा है। हालांकि दुकानदार का साफ कहना है कि इस बार कोरोना के चलते विशेष सावधानी बरती जा रही है। इस दौरान पतंग खरीदने आए लोगों का भी साफ कहना है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत ही पतंग खरीदी जा रही है। मैं विवेक शर्मा राम पतंग से आज पुनः मकर संक्रांति है, कल त्यौहार है इसका। आज लोगों में काफ़ी उत्साह है हर वर्ष की बात ही, और इस बार कार्टून की पतंगे, मोदी की पतंगे, जो टीकाकरण के अभियान वाली पतंगे हैं, बच्चों के लिए कार्टून की पतंगे काफ़ी चल रही है, लोग काफ़ी अच्छा ले रहे हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, खूब सवेरे से खूब सारा रश है, और कल त्यौहार हमेशा की बात ही मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है सब, और सभी को मास्क लगाने के बाद ही एंट्री माजा और पतंग ले जाएंगे। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। माजा सादा ही उड़ाएं और सादा ही से भेज डाएं, जो जो मजा सादे में है वो दूसरे माजे में नहीं है। जगह में तो ध्यान रखना चाहिए और लूटते समय पतंगों को ध्यान से लूटें, ध्यान रखना चाहिए। नहीं बने रहिए हमारे साथ। देश और समाज इससे जुड़ी हुई स्टोरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।